अनंत पर इनकाउंटर में 50 दिन की जेल खाती है। इसी अनुसार से निर्णय करते, इसी अनुसार से निर्णय करते। 10,000 राजपूतों के मुकदमे जाते, कोई कुछ भी बोले, 3-3 सीबीआई के मुकदमे, 23 मुकदमे दैनीय रहते। पर जब मेरे अलावा आम राजपूत का बच्चा जब जेल में होता है, उसके परिवार के साथ क्या होता है, मैंने 10-50 दिन नहीं कहा बोला। इसलिए है इसका देता उसको देने बंधक। यह सब हम लोग है अनुसूचित, सुनो मेरी बात, यह सब बराबर है, कोई छोटा ना बड़ा है। ये समाज की राजम है, और कोई नेता की निकलने नहीं आए। अपना भाई गया है जिसने पूरी जीवन समाज को दे दिया। मेरा संगठन अलग हो सकता है, मेरा मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं था। जब तक समाज को जरूरत पड़ी हम लोग एक मंच पे खड़े रहे दिखे, अरे दिखे नहीं एक मंच पे। जब तक इस परिवार को, इस समाज को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग यहाँ है। अभी सीपी सर से बात हुई थी, और अभी कोई बोल न देंगे सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। अरे जब तक कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं होगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा इसको कोई इसको इसको अपराध का कुछ मिला फल मिला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ डीजी जिसको मालूम है, 9-3-2023 को एक लेटर था भटिंडा की जेल से, और उसमें लिखा है कि सुखदेव सिंह को मारने की प्लानिंग चल रही है, AK-47 कबाड़ी जा रही है। आपने भी देखा होगा ऐसे लेटर देखा। जब डीजी के पास ये लेटर 30 महीने में आ गया था तो दबा की क्यों बैठा था भाई, किस किस है मिली वगैरह अपराधियों से दर्ज हो। तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है, जो इससे प्रमुख है राजस्थान का, सूबे का मुखिया है, पुलिस का, वो अगर इनसे जुड़ा हुआ है, अगर उसने ये अंधे की करिए तो सबसे पहले इसे डीजी को, डीजी को सस्पेंड किया जाए, डीजी को किया जाए, डीजी को बर्खास्त करो। दूसरा एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूँ, इस राजस्थान की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होती है, और जो होम मिनिस्ट्री का, जो गृह मंत्रालय का जो चार्ज था 5 साल, वो किसी के पास नहीं था, अशोक गहलोत के पास था। और कोई भी ऐसा कोई भी इनपुट आता है वो डीजी से पहले होम मिनिस्ट्री के पास आता है, होम मिनिस्ट्री उसको डीजी के पास या खजाना सर्कुलेट करना होता है वह भेजती है। जब अशोक गहलोत को मालूम था तो भैया किससे षड्यंत्र करके मरवाया भैया हमारे भाई को, अरे दबा जवाब दे मुख्यमंत्री किससे मिलकर मरवाए, उसको सब मालूम था। जब हमारे पास वो लेटर है, साक्ष्य है सबके पास, छोटी बात तो नहीं करे। ये मुख्यमंत्री भी मिला है, हमारी मांग है इस बीजेपी सरकार से इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एक रिपोर्ट दर्ज हो, FIR दर्ज हो, जिसमें 120 में अभी मंत्री बने और ये भी जेलों के पीछे सड़कों के पीछे जाए, जेल की जाए। इसी व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली थी। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी है, जो आतंकवाद आतंकवाद के संबंधित जो लोगों की जो तफ्तीश करती है, वो NIA यहाँ तक क्यों नहीं आई गई। जब सीधी मुसेवाला के पास आ सकती है, वहां तो कुछ चंद जिले बंद हुए होंगे, यहाँ तो पूरा राजस्थान बंद है, आधा MP बंद है, आधा गुजरात UP हरियाणा हर जगह कई सारे कस्बे कई सारी सिटीज बंद है। तो 3-4-5 राज्यों में अगर बंद का आह्वान है तो फिर यहाँ NIA क्यों नहीं आई, आनी चाहिए थी जी। और जो नई आने वाली सरकार है, ए भैया जो नई आने वाली सरकार है उसका भी कोई चेहरा नहीं,
मुख्यमंत्री कोई चेहरा नहीं है। अब एक पत्रकार बंधु बोल रहे थे नई सरकार को मुख्यमंत्री के चेहरे पे और उनकी शपथ ग्रहण में बीजी है। उनका यहाँ शपथ ग्रहण तो तुम्हारे बाप को भी नहीं लेने देंगे। मुख्यमंत्री शपथ लेगा उससे पहले न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री हम लोग क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अब की बार तुम आए हो ना हमारे काम से आए हो। पिछली बार कमल का फूल हमारी फूल नारा दिया था, तीन राज्यों में साफ कर दिया था। अब की बार साथ खड़े रहे तुम्हारे, इसलिए तुम यहाँ हो। और अगर तुम हमारे हो तो एहसास दिलाओ इनकाउंटर उनका हो कि नहीं हो इनकाउंटर। हमें तब एहसास होगा कि बीजेपी सरकार हमारी है और हमारे लिए काम करती है। तब दोनों वो आतंकी दोनों हत्यारे उनके कानपट्टी में गोली पड़ेगी और रोड पे बिखरे होंगे, तभी हम विश्वास करेंगे कि बीजेपी सरकार हमारी है और हमारे लिए काम करती है। सही है नहीं है? सही है। दूसरा, अभी बात चल रही थी तो उसके परिवार का क्या होगा? मैं बोलना चाह रहा हूँ परिवार को सिक्योरिटी मिलेगी मिले जीवन भर और प्रशासन के खर्चे में मिले पूरे परिवार को सिक्योरिटी मिले। हमारे कोई भी ऐसी हमारी जो बच्ची है सुप्रियो सिंह जी की बच्ची है उनका कल किसी ने बड़ा धंधा कर रहे हो क्या आपस में? अरे बाकी भाई अरे एक माई रो भरवा की तैयारी एक भात कुल भरी गलत है लाश पड़ी है। अरे भाई वो तो चलेगी वो तो पंचली वो पंचतत्व मिली रुझाई पृथ्वी का पास जगह आदमी है पांच दिन बाद में बनाता रहा कितनी 20 दिन बैठे थी मेरे यहाँ जो सुनाए और खेत में थे हर दिन 10,000 20,000 बढ़ती भीड़ 1,00,000 पे पहुंच गई। पहुंची किसी को लगता होगा कि आज इतना ही है काल घटा में तो कल कितनी ताकत में आएंगे एक बार बता दो। 10 किलो ताकत में आएंगे नहीं आएंगे? 10 किलो ताकत से आज 4 बजे तक रास्ता बंद था। अभी एक पत्रकार बंधु पूछ रहे थे 4 बजे बाद क्या करोगे? 4 बजे बाद चक्का जाम करेंगे। करेंगे कि नहीं? राजस्थान का चक्का जाम होना चाहिए कि नहीं? यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, न गाड़ी इधर से उधर हिले न आदमी इधर से उधर हो, पूरा राजस्थान जाम होना चाहिए। और आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ भैया जाम कर दो, जो अगर हमें पूरे राजस्थान में सुनना है चक्का जाम कर दो, टाइम हो जाए। कल केवल बात हुई थी कि राजस्थान में जयपुर बंद करेंगे, कल एक बात हुई जयपुर बंद करेंगे। मैं 7 बजे पहुंचा था, 7 बजे पहुंचने के लिए पूछा भाई लोगों से कि क्या जयपुर में राजपूत पूरे देश में पूरे प्रदेश में नहीं है? सब ने बोला है। तो कितने केवल यही हाँ भरवाई थी कि राजस्थान जाम करेगा, राजस्थान बंद करेगा। और माँ भगवती के लालों ने सुखदेव सिंह के उस हरेक व्यक्ति हरेक भाई ने आज राजस्थान को ऐसा ऐतिहासिक बन किया है। आज तक 70 सालों में कोई पॉलिटिकल पार्टियां बंद नहीं कर पाई है। ऐसा जबरदस्त जाम वो ऐसा जबरदस्त बंद वो आप लोगों ने आपके भाई की शहादत पर उस शहीद सुखदेव सिंह के परिवार के न्याय की लड़ाई में तो सहयोग किया। पूरा देश देख रहा है हम लोग अगर कहीं से भी कमजोर पड़े तो आईंदा से कोई लड़ाई लड़ने जैसे रहेंगे नहीं रहेंगे क्या? आनंद पाले ने इंकाउंटर में 3-3 सीबीआई के मुकदमे मेरे ऊपर मुख्य अभी प्रदर्शन के जो अभी कोई समुद्र से केवल नहीं चल गया था आपको मालूम है? अरे मालूम है
और बंसाली को लंबा करके भी मैंने पता कि ढाई घंटे रखा था, मालूम है कि नहीं है? भैया ने गलत भी मीडिया गए, अरे मालूम है भैया? महिपाल सिंह निकल रही है कभी न झुका है? 17-17 करोड़ रुपए चार्टर प्लेन से 10 दिन तक पड़े रहे थे यहाँ पे। बहन बेटी की इज्जत करने वाला बड़वा हो सकता है, राजपूत नहीं हो सकता, डल्ला हो सकता है, क्षत्रिय नहीं हो सकता है। सही बात देख रही है? आप सबसे निवेदन है, हम हर दिन चाहे कितने दिन बैठे पड़े और कोई भी प्रलोभन दे, जब तक न्याय नहीं मिले यहाँ से हिलेंगे नहीं। और हर दिन पहले दिन की तुलना में डबल संख्या में आएंगे। माता जी की सौगंध है, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाथ ऊपर करके आएंगे कि नहीं आएंगे? और तो कहीं हो भाई गुनाह नहीं, मैं कह रहा हूँ हाथ ऊपर करके करो, हाथ ऊपर करके आओगे कि नहीं आओगे? भगवती की कसम, आएंगे कि नहीं आएंगे? आप सबकी यही ताकत चाहिए, यही सहयोग चाहिए, हम लोग यही है। अंदर सीटी से मीटिंग चल रही है, आप में से जो जो वक्ता को बोलना चाहता है सुनिए मेरी बात को। ये माइक की ओरती इसी ने मिली हुई है, इसी शर्त में मिली हुई है कि यहाँ से कोई गलत शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपकी ये जो मजमा आप पर ताकत है ये टूट जाए, हमें कोई दरार पैदा हो जाए, यही जो धरना है इसको कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ जाए। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई व्यक्ति इस फोन इस माइक पर ना बोले। मेरा अनुरोध है राजपूत समाज के हरिवा से, अपनी कोई भी बोलने की इच्छा है भाइयों दबा लेना, पर गलत मत बोलना। कोई बोले वो ऐसी बात है कि समाज की एकता की हो, हमारे सुखदेव सिंह जी के न्याय की लड़ाई की। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।